बात लखनऊ की। लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कोर ग्रुप की यह बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर कई सारे नेता मौजूद रहने वाले हैं। विधानसभा उपचुनावों को लेकर यह बैठक रखी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। साथ साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसी के साथ में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे इस बैठक में, क्योंकि विधानसभा के जो सीटें हैं उसके ऊपर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी को लगातार जो फोकस है वो बढ़ाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इससे पहले भी कई सारी बैठकें उपचुनाव को लेकर 10 विधानसभा सीटों के ऊपर जो उपचुनाव होने हैं यूपी में उसको लेकर बुलाई जा चुकी है। चिंतन मंथन लगातार जारी है। इस बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी कई सारी चर्चाएं तूल पकड़ती हुई नजर आई। फिलहाल लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बैठक आज होगी। क्या कुछ इस बैठक के बाद निकलकर सामने आता है, किस तरीके से एक नई रणनीति के साथ में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम करती हुई नजर आती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में बीजेपी खासा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई, जितना एक्सपेक्टेड था उतना प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा नहीं किया गया, उसको खास तौर पर देखते हुए यहाँ पर रणनीति में बदलाव सीधे तौर पर देखा गया है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर फिलहाल बैठक आज होगी। अवनीश विद्यार्थी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, क्या कुछ अपडेट फिलहाल उपचुनावों के साथ साथ कौन से वो मुद्दे हैं जिसके ऊपर आज चर्चा संभावित है? अवनीश, आपके साथ में एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, आपकी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इस बीच आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री भी दोनों यहां पर सामने होंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आवास पर हो रही इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। विधानसभा उपचुनावों को लेकर खासा फोकस इस बैठक में रहने वाला है। अवनीश, एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए। अवनीश, क्या कुछ फोकस रहने वाला है उपचुनावों के साथ साथ में, कौन से वो मुद्दे जिसके ऊपर संभावित चर्चा है आज? चाहे 10 सीटों पर उपचुनाव होने और बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, खासतौर पर तब जब लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई बीजेपी, पिछले 4 चुनाव जीतने के बाद 5वां चुनाव 2024 में हारना पड़ा बीजेपी को, पिछड़ गई है बीजेपी, लिहाजा एक बार फिर अपने वोटर्स को किस तरीके से साथ जोड़ा जाए, कैंडिडेट कौन कौन से हो, किस तरीके की रणनीति के साथ चुनाव में जाया जाए, इन तमाम विषयों पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी जिसमें